हमारे आचार्य कहते हैं कि इसीलिए आने के मूल तीन कारण प्रेम रस राग मार्ग भक्ति लोके करके प्रचार। श्री कृष्ण इस जगत में आते हैं, क्यों आते हैं? सबसे प्रथम कारण दिया कि अपने परिकरों को साथ में लेकर के आते हैं। श्री यशोदा जी, श्री नंद बाबा, सखा इत्यादि इनको साथ लेकर के आते हैं और लेकर के लीलाएं करते हैं। लीलाएं इसलिए करते हैं, लीलाएं करके जीवों के चित्त को अपनी ओर जो आकर्षित करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के आने का मूल कारण बताया गया और जो उनका गौण कारण है वह क्या है? असुर इत्यादि का वध कर देते हैं। असुरों को मारना, असुरों को मारना उनका मूल प्रयोजन नहीं है। तो जब श्री कृष्ण का प्राकट्य होने वाला था, जितने भी सरोवर हैं, जितनी भी नदियां हैं, वो सारी की सारी स्वतः स्वच्छ हो गई। बरसात के मौसम में जितनी नदियां होती हैं वो सारी मटमैली हो जाती है। वो मिट्टी पहले ही जल के भीतर होती है, जल के भीतर मिट्टी पहले ही होती है, लेकिन होता क्या है, जब बारिश होती है तो वही मिट्टी उग जाती है। तो जब भजन करते हैं तो भजन करते करते क्या होता है, नाम करते हैं मन नहीं लगता, नाम करते हैं सारी विषय वासना अपने आप उपस्थित हो जाती है उस समय। तो उस समय साधक को जो है हारना नहीं चाहिए, निरंतर जो है हरिनाम का ही आश्रय लेना चाहिए। तो वो क्या है, सारी की सारी नदियां स्वयं क्यों स्वच्छ हो गई? सारी नदियां स्वच्छ इसलिए हो गई क्योंकि भगवत भक्तों के हृदय की स्वच्छता थी। जहां स्वच्छ हृदय होगा वहीं पर ही श्री भगवान प्रकट होंगे। और हम कथा के माध्यम से क्या कर रहे हैं, अपने चित्त का मार्जन कर रहे हैं कि हमारा चित्त स्वच्छ हो। ये हर साल उत्सव आता है जन्माष्टमी का, हम सुनने भी जाते हैं, होता है, लेकिन हमारे जीवन में कभी भी श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। ये तिथि विचार करने की तिथि है कि मैं पिछले साल भी यहाँ पर आकर के बैठा, अगले साल भी आकर के बैठूंगा। हर साल मैं आता हूँ, बैठता हूँ, चला जाता हूँ। महाराज जी 7 दिन से अपनी ऊर्जा, अपना प्राण, अपना रक्त लगा करके वस्तु विषय आपको देना चाहते हैं, लेकिन एक कान से सुनकर के दूसरे कान निकाल दिया, कोई लाभ नहीं है। सच सच बोलूं, साधु का बहुत बड़ा अपमान है। साधु अपनी ऊर्जा लगा करके बैठता है यहाँ पर और आपसे केवल यही निवेदन करता है कि जो वो कह रहा है उसका पालन कीजिए। उसके पालन में लाभ किसका है? हमारा ही लाभ है, स्वतः का ही मंगल है। तो भगवान के भक्तों के चित्त की स्वच्छता और नदियों की स्वच्छता जो एक समान है। जब श्री कृष्ण प्रकट हो गए, श्री यशोदा जी अत्यंत जुटी विस्मित थी। उन्होंने कहा, यह जो बालक प्रकट हुआ है ये मानो कोई नीलमणि से निर्मित है। श्री कृष्ण के अंग को देखा, श्री कृष्ण के मस्तक को देखा, उनकी भुजाओं को देखा, उनके नाभि कमल को देख करके बोले इसका स्वरूप तो पूरा नीलमणि के समान लगता है। ऐसा अभूतपूर्व सौंदर्य था। और श्री यशोदा जी जूनी श्री कृष्ण को उठाने के लिए थोड़ी सी झुकी, उसी समय अपनी ही परछाई श्री कृष्ण के स्वरूप में देखी और यशोदा जी पुत्र को लेकर के इतनी भयभीत हो गई, मानो उनके हृदय में भाव आया कि कोई पिशाची, कोई मेरे श्री कृष्ण का अनिष्ट करने वाली, अपने ही स्वरूप को देखा श्री कृष्ण के स्वरूप में, लेकिन उसको भगा दिया। बोले भाग यहां से, तू क्यों मेरे पुत्र को मारने के लिए आ गई हो? और फिर कहीं श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर एक छोटा सा सफेद दाग है, अपनी ही चुनरी लेकर के उसको वहां साफ करने लगी। सोचा दुग्ध का जो है अंश है, तो सभी माताओं ने कहा, बोले अरे श्री यशोदा जी, यह श्री कृष्ण के जो वक्षस्थल पर जो दुग्ध का चिन्ह है ना, ये इसी दुग्ध के चिन्ह के साथ पैदा हुआ है। तो यशोदा जी कितनी भयभीत हो गई। यशोदा जी के अंगों की सुकोमलता वर्णन करते हुए हमारे गुरु पादपद्म में कहते हैं, दामोदर लीला में जब श्री यशोदा जी श्री कृष्ण के पीछे उद्धत होकर के भागी है, हाथ में लठिया लेकर के पर ब्रह्म के पीछे भाग रही है। ब्रह्मा जी, शिव जी, देवता इत्यादि सब विमोहित हो गए। कैसी लीला है कि जो ब्रह्म हाथ में नहीं आता, जिस ब्रह्म को पकड़ने के लिए योगी ना जाने कितने कितने जन्म की समाधि लगाते हैं, निराकार में लीन होने के लिए कितना प्रयास करते हैं, वह श्री कृष्ण ब्रज में माता की लटिया को देख करके मुख नीचे करा हुआ है और नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। पक्रम विलीन है, भव भावना स्थितया भयभीत हो रहे हैं। तो वह यशोदा जी ने देखा कि मेरे अंग अत्यंत कोमल है, लेकिन श्री कृष्ण के अंग को देख करके उनको अपने स्वयं के अंग अत्यंत कठोर लगने लगे। ऐसा रूप लावण्य है श्री कृष्ण जब जगत में प्रकट होते हैं अपने परिकरों के साथ। जो लीला प्रभु गोलोक वृंदावन में करते हैं उसी ही लीला को यहाँ पर प्रकट करते हैं। श्री यमुना जी, श्री वृंदावन, श्री गोवर्धन,
धन, इनको स्वतः यहाँ पर लेकर के आते हैं और लीला करने के पश्चात क्या करते हैं, अपने पीछे ध्वज इत्यादि को छोड़ देते हैं। इसलिए छोड़ते हैं कि वो आए हमारे घर में, हमें बताएं कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। 84 लक्ष्य करते भ्रमण, 84 लक्ष्य में घूमते 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 धर्माचारी मध्य अनेक कर्म निष्ठ, अनेक अनेक लोग धर्म का पालन करते हैं लेकिन यही बोलते हैं काम करो बस, सुबह 9 बजे जाओ शाम को 5 बजे आओ, यही भक्ति है, अधिकांश यही कहने वाले हैं। और उनमें से भी उन्हीं सब कर्मनिष्ठों में एक ही ज्ञान श्रेष्ठ, कोई एक जो है निराकार ब्रह्म को मानता है। और ऐसे कोटि कोटि निराकार ब्रह्मों को मानने वालों में कोई एक व्यक्ति जो है निराकार को प्राप्त करके मुक्त होता है। और ऐसे कोटि कोटि मुक्त जनों में एक ही कृष्ण भक्त, एक वास्तविक रूप में श्री कृष्ण का भक्त होता है। और वास्तविक रूप में हमारे प्रभुपाद जी कहते थे, अगर जीवन में कृष्ण जन्माष्टमी नहीं हुई, अगर जीवन में श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ तो जीवन व्यर्थ है। लोहा स्वाभाविक रूप से चुंबक की ओर आकर्षित होता है, गाय का बछड़ा स्वाभाविक रूप से गैया की ओर आकर्षित होता है, उसी प्रकार से जीव स्वाभाविक रूप से किसके प्रति आकर्षित होता है, श्री कृष्ण के प्रति। जब तक श्री कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे, उनके युगल चरण हमारे हृदय में प्रकट नहीं होंगे, तब तक रोना रोना बंद नहीं होगा। और जिस दिन ये प्राप्त हो गए, जिस दिन हृदय में श्री कृष्ण के चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे, किसकी कृपा से, साधु की कृपा से, भक्त की कृपा से, नाम सही सही करना, सर्वप्रथम श्रद्धा उदय होगी, फिर हम साधु संग करेंगे, फिर हम सही सही संप्रदाय में दीक्षा लेंगे, एकादशी का पालन करेंगे, नित्य प्रति नाम करेंगे, भगवत भक्तों की सेवा करेंगे। ऐसे ही भक्ति लता बढ़ती बढ़ती कहाँ जाएगी, माया की जितनी भी लोक है सबको पार कर जाएगी और अंततः श्री कृष्ण के कल्प वृक्ष रूपी चरण है उसको प्राप्त करेगी। तो आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं यहाँ पर बैठे हैं। मैं जब प्रवेश किया तो भी यहाँ पर जो समय जो वक्ता थे वो कथा कह रहे थे कि हम सौभाग्यशाली हैं। हमारा सौभाग्य इस बात से है कि हम शुद्ध संप्रदाय में कथा सुन रहे हैं। हमारा सौभाग्य इस बात से है कि ऐसे श्रेष्ठ साधु हमारे निकट हर वर्ष आकर कहते हैं। लेकिन अगर हमने लाभ नहीं उठाया तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य व्यक्ति भी कोई नहीं है। तो आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, जन्माष्टमी का दिवस है, जितने भी भगवान के यशोदा जी हैं, नंद बाबा हैं, ये तो बहुत दूर हैं हमसे, लेकिन इन्हीं की ही परंपरा में जो हमारे गुरुजन आचार्य हमारे निकट आते हैं, इनके निकट जा करके हाथ जोड़ करके हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरुदेव, हे वैष्णव, मेरा हृदय तो अत्यंत विषाक्त है, विषयों में पूर्ण रूप से युक्त है, मेरा मन एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण भक्ति नहीं करता है, लेकिन आपको मैं देखता हूँ कि आप अहर्निश रूप से, निरंतर रूप से, अप्रतिहता रूप से आप निरंतर कृष्ण भक्ति करते हैं। तो जिस प्रकार से आप कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, आप मुझे दीनहीन जन को, मुझे भिक्षुक को उस कृष्ण भक्ति का एक बिंदु मात्र मुझको प्रदान कर दीजिए। अगर वो आप बिंदु मात्र मुझको प्रदान कर देंगे तो मेरा जीवन साफल्य युक्त हो जाएगा, यही कहकर के तुम लोग अर्चन करने के लिए दामोदर नहीं है जो ठाकुर जी को कहा अभिषेक करोगे, क्या करोगे, यहाँ करोगे ना वहाँ करोगे, ऊपर करो, ठीक है, तैयार सब है ना, ठीक है, यहाँ पर कोई टेबल का हो ना, ठीक है, जीत प्रभु जी अगर हो तो इतना जीत प्रभु अगर जीत प्रभु बाहर हो तो इधर आ जाओ, जीत प्रभु जी। अरे सखी बहुत दिनों से श्याम सुंदर के दर्शन लाए भाई, चलो दही दूध बेचने को चल रहे हैं, यही बहाने
श्याम सुंदर के दर्शनों करे आएंगे। हाँ सखी सही कह रही हो, परंतु यदि तुम जा ही रही हो तो प्यारी श्यामा जी को पूछ लो, यदि उनकी इच्छा भाई तो देव माया संग सब चली चलेंगे। ठीक है सखियों, चलो 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 चलो। यमुना महारानी की धारा रानी की जय। अरे राम राम, एक तरफ कूतो बंदर ही बंदर बैठे हैं और एक बगल कूतो बंदर यही बंदरिया बैठी हैं। इनकी तो कछुन की आंख कमजोर रह गई है, सारे दिन गुड़ चना ने खाती है और कछु बेचारे ने मिले ही ना। और देख
बीच में घुसो ही जा रहा हो। निकरिया निकरिया सारे निकरिया काटे लग जावेंगे फिर रोवेगो पीछे से। मत निकर मोए काए काटे लगेंगे तो में लगेंगे रोवेगो तू रोवेगो। अरे सारे एक बात है प्रातः काल ते दुई पैसा को धंधो ना भयो घर से निकरो कोई घाटी ना मिलो जाकू मैया नैया में बैठाए के या पारते व्यापार उतार दे। अब घरे जाऊंगो तो पालक बच्चा पैसा मांगेंगे चाचा हमें पैसा दे दे चाचा हमें पैसा दे दे। अब मैं बिनको पैसा कहाँ से लाऊंगो सबके सब पैसा के पीछे भाग रहे हैं। यो तो देखना कि मेहनत कितनी करनी पड़े सवेरे से संजा तक या नैया को यमुना जी में डाल के चलाम तो रहूं पर कोई मिले ही ना। अब घर जाऊंगो तो घरों पैसा मांगेगो कहेगो पैसा दे घरों तो पैसा मांगे चलो कोई बात ना है। यो क्या करें यमुना मैया जाको प्रातः काल नाय दे बाकू संध्या समय तो दे ही दे। चलो एक फिर और लगाया हूँ का पतो कोई मिला ही जाए जाकू या नैया में बैठाए के मैं याद पारते वापर उतार दूँ। चलो चलो सखी तू एक काम कर तू काउ ऊंचे किले पे चढ़ और देख कोई नैया आ रही हो तो वाकू बुलाए ले हम वहां में बैठकर पार उतर चलेंगे। अच्छा श्यामा जी एक नैया आए तो रही है और वो हमारी साइड को आए रही है। सखी वापे मल्ला को कैसो है? देखिए सखी ने वापे मल्ला को कैसो है कुर्सी चढ़ के श्यामा जू ऐसो सुंदर सो है ना श्याम वरण सुकुमार जायो काऊ मल्ला हने मनमोहत श्रृंगार। हे श्यामा जू वापे मल्ला को इतनो सुंदर है मानो कौ श्रृंगार या सुमूर्ति को श्रृंगार करके या नैया में बिठाई दियो हो। अच्छो सखी तो वाई को बुलाई हो। अरे सखी देख बुलाई हो मल्ला को। अरे ओ मल्ला के सुने नायका वृंदावन तो वृंदावन है कैसी पतोरी बोल रही है संध्या समय इनकी जिप्या कछु ज्यादा ही खुल जाए जब कोई जामता हो तो दीख है तो पतर ही पतर करती है और कछु काम ना संध्या समय भयो मैं अपने घर को जा रहा हूँ मैं तुमको कछु कह रहा हूँ क्या हटा। अरे ओ बाजी के सुनाई ना आरीगा। ओहो अब तो टटा टिंगरी बोली जिन पे कहा जोर पर गयो जिन पे कहा कह दी मैंने नाय होगी तुम हटा हटा। अरे ओ धीमर के सुनता रहेगा। अरे अब ध्यान आई मेरी नई गिराई गई। अरे ओ केवट के कौन हो तुम कहां तक बोल रही हो? इतकू देख इतकू इतकू कितकू देखो पार पे देख पार पे पार पे तुम तो मैं दिखी नहीं सैर कर मैं को डर रखी है और देखिए देखिए देख कितनी मलूक नैया है मेरी और तू देखिए अपने धूतरे माँ तो यार नैया मैं बैठाऊंगा मैं हटो कहा आर के मैं बैठी हो। अरे लाला ले आ मैंने कही ना मैं ना लाऊंगा नहीं है मैं ना ला रहा हूँ देख हम तेरे हाँ।
ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਲੈ ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਲਾਂਗੋ ਹੀ ਨਾ। ਅਰੇ ਲਾਲਾ ਲੈ ਆ। ਅਰੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤਨੀ ਸਾਫ ਔਰ ਸਵੱਛ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੀ, ਔਰ ਤੁਮ ਕਿਤਨੀ ਧੀਂਗਰੀ ਪਰ ਰਹੀ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨਈਆ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂਗੋ ਤੋ ਇਹ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ ਤਈ, ਔਰ ਤਈ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਰਾਂਗੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਂਗੋ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਪਣੀ। ਅਰੇ ਮੱਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਯਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪੁਖਰੀਆ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕਾਜੇ ਤੂੰ ਦੋ ਦੋ ਰਾਮ ਪੁਖਰੀਆ ਹਮਾਰੀ ਕੀ ਦੋਈ ਦੋਈ ਬਨਵਾਵੇਂਗੀ। ਕਹਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮਤ ਮੈਂ ਗਾਮ ਤੇ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਧੋਲੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਧੋਗਾ ਹੈਂ।
तेरे ने दूंगा मैं कल आर पे दुबई है मल्ला के मेरे धोले तेरे ने ना ही दूंगा मैं रहने दे अरे जाके ना धोले जाके मलूक है मधु में जाके जाके हाँ जाके मलूक है जिनके ढोरन के सो तो पैर हैं मल्ला के मेरे धोले देख मैं साची कहूँ मेरे मौते तेरे मौते तो मालूम गई हैं तेरे पाँव अच्छा हाँ मेरे मौते ज़्यादा मालूम के तुम्हारे पाँव और का मैं ना जाऊँ मैं तुम सबन में काऊ के चरण ना जाऊँगो अरे मल्ला के तो मेरे धोले तू अपने खसम पे दुबाई लिए जा तो कौन की धोएगा मैं तो भाई के चरण धोऊंगो जो तुम सबन में सबसे श्रेष्ठ है बताओ कौन है मल्ला के बिनते तो आज्ञा लेनी पड़ेगी तो आज्ञा लेकर आ और सुन मैं तो भूलेगा मोयो तो अपनी नाव से आज्ञा लेनी पड़ेगी क्या तुमको पार उतारेगी क्या ना है अच्छा? मैं अपनी नैया से पूछा एक काम करो तुम पूछा और मैं पूछा रहा हूँ ठीक है हे श्यामाधु वो मल्ला को आपके चरण धोने को तो ठहरा हुआ है सखी मैं वासी चरण नहीं धुलाऊंगी तू वासी जाके मना ही कर दे ठीक है श्यामाधु और मल्ला के वे मना कर रही है वे मना कर रही है हाँ मेरी उन्हें मना कर रही है क्या रही है मैं इन्हें नाय बैठाऊंगी जितनी धींगरी धींगरी है रही है जब मैं उन्हें बैठूंगी तो मुँह ये डुबो देंगी ये नाय बैठा रही तुम्हें मैं ना लाऊंगी अरे मल्ला के रुक जा मैं दोबारा से पूछ के आऊं पूछिए समर के पूछिए ठीक देख लिए फिर हाँ ठीक जा पूछिए हे श्यामाजू आप अपने मन में कहाँ विचार कर रही हो आप क्या मल्ला कहते अपने चंदन में धुपा रहे हो या तो जा रहे हो अपने नहीं आए लेके और चतुरन की तो जो ये है कि जैसे काम बन रहा हो वैसे बनवा ले हो चाहिए सखी तो तू ऐसे कह दे कि धोए ले चरण ठीक है श्यामाजू मल्ला के धोला चरण धो लो हाँ तू पूछी आई समर के पूछी आई तू धो लो और मैं तो जा रहा हूँ समझ नहीं कहूँ
और क्यों मैं बैठी हो तुम, मैं तो जा रहा हूँ। और मोरी भी जान दे। अरे मन, अरे सखी, ये मल्ला को तो बड़ो ही झूठो निकलो, अपनो काम बनाए के चल दियो। देखो मैं तो जा रहा हूँ, पर तुम पे भूत चिपकेंगे ना तब पता पड़ेगी तुम्हें। मैं तो जा रहा हूँ। ओ मल्ला के नहीं अलावे तो लिया, डरपावे तो हतमन। तुम डरप काहे कर रही हो? मैं तो यही मारे कह रहा हूँ कि तुम डरप जाओ, डरपो मत ही। अच्छा और का? अच्छा तुम ये बताओ कि उतराई में देवगी का और तई में लाऊंगो? उतराई में तो गले को हार देंगी, मुदरिया देंगी और बरसाने को वास देंगी, चाहे मैं तेरी पूरी उमरिया कट जाएगी। चल सही ले आऊं? ले आ ले आ। चलो तुम एक एक करके चलो, एक एक करके चलो। गोदी में लेके चल, ऐसी ना है। गोदी में जाएगी तू? हाँ। तुम सिगरी गोदी में जाओगी? और का? तुम हम गोदी में जाएगी? ज्यादा तू है ना, अब सबको रहते हैं, सब भीग जाऊंगी। तुम सब भीग जाओगी? भीग जाऊंगे। हैं? तुम तो नैया तक जाओगी कि ना जाओगी मुझे ना पता, पर मैं रेती में जरूर कर जाऊंगा। मैं नहले जाऊंगा और टकना टकना ताई तो पानी है बाहू में नखरे दिखाई रही है। चलो देखियो भाभी, समर के बैठ जाइयो, मेरी मैया बहुत जोर से चलेगी। आ गई समरी? आ गई? हाँ आ गई। अरे अरे बेटा मैं तो रह गई। तू रह गई? और का? तो तू रह जा। एक काम करता है, इन सबर ने छोड़िया हूँ, फिर पीछे से देवर भाभी आराम से बदराम से चलेंगे। अरे ना मुँह पे भूत पड़ जाएंगे। अरे भूत ना है जा, मैं तो कोई डर पाए के मारे कह रहा हूँ। अरे ना उतराई तो मैं दूंगी। तू देगी ना उतराई? हाँ। तो पहिया का तारी? और का? तो तू मुझे लानी पड़ेगी, रुक जा रहा हूँ। अरे बेटी चले? अरे ऐसे ना गोदी में ले चल। गोदी में जाएगी? हाँ। चल तेरे तो तकनाम छोटे हैं, चल गोदी में। बड़ी बूढ़ी है ना। देख रही है छोटी सी है और उठना रही है, कितना वजन है तुम्हें? बहुत ज्यादा। कौन सी गिर पड़ी? ओ मेरी दादी बहन, दादी तू तो यही है।
अच्छा सुन, तैने मेरी ध्यान अवस्था में विद्यार उत्पन्न कर दियो और मैं कैसो प्रेम के सागर में गोतो लगाए रहो, तूने ये नैया मिला के खड़ो कर दियो। अच्छा जा गोता बाद में लगाइयो, पहले जा नैया को चला ले। अब मैं दोई दोई काम कैसे करूं, या तो श्यामा जुए देखूं या नैया चलाई लूं। अब सुंदर चीज तो देखी जाएगी। दोई दोई काम का नैया लेके आओ, नैया चला चलाए रहूं, लेकिन मैंने कही ना चौथा काम कैसे करूं, या देख लूंगा या नैया ही चलाई लूंगा। तुम वही देख ले, तू सुंदर है, तू सुंदर है। अरे तो अभी कुलवाए देख ले, पर हमारी श्यामा जुए मत देख। कुलवा तो मेरा ठीक है, तू बता तू सुंदर है और का है और का। तू सुंदर ना है, तू बंदर या है? नैया चला नैया, भाभी नैया चलना है रही, पानी बहुत गहरा है, बल्ली टिकना है रही है। तो जा नैया लाए पाए को टिकना रही है, क्या करो तो छपका लगा ले। हाँ मोन एक से सर का छपका लगे तो जा नहीं है, जालंग लाया पाइप वो चलना रही तो चला है, रुक जाओ जल्दी चला। देखो भारी आ गई है, तुम बताओ क्यों इतने भारी भारी वस्त्र ने पहन के आई हो, आभूषण देखियो ऐसा लग रहा है इनमें कितना वजन हो है। और वस्त्र देख के तो ऐसा लग रहा है मानो कितने जल रहे हैं। तो तुम एक काम करो, कछु आभूषण निकाल के यमुना जी में विसर्जित कर दो, क्या पता नहीं चलने लग जाए। अच्छा करो ले कर दे है कि नहीं, चलो है कि नहीं। हाँ अब वो नहीं है, ना चल रही है। अब कहाँ है वो? मुझे लगा तुम्हारी वस्त्र में बजा है। अरे मल्ला के, तूने हमसे हमारे हार उतार ले, सब उतार लो, अब का चाहिए? तुम एक काम करो, तुम कछु अपने वस्त्र उतार के डाल दे, क्या पता चलने लग जाए। अच्छा उतार दे सकी, उतार दे ले उतार दे। चलो अब चल रहे हैं, चलो अब हमने यहाँ ना चल रही है। अरे अब का है गो भाई, तो मुझे ऐसा लगे कि तुम्हारे इन माट मटकन में वजन है। अच्छा हाँ, तो तुम एक काम करो, जा माट मटका मोकू दे दे, मैं माखन मिश्री खाऊंगा और हो सके मुंह में बल बढ़ जाए तो मैं तुमको पार उतार दूं, और या नैया को बोझ भी हल्को आ जाएगा। अरे निकूटी के, तुझे माखन मिश्री चाहिए तो पहले ना मांग सके हो, हमारे बाद आभूषण काहे को बिकवाए? तो सिमाइयो वस्त्र। अच्छा ले खा ले माखन मिश्री, भर ले पैडर, अब जा नैया को चला खा ले। मर गई ना शराब। अम्मो का या नैया ना चलेगी, अब का है गो। देखो एक मंत्र है, बता दे नैया पार है सके। मंत्र बता तू। देखो तुम बात शाम सुंदरी ये याद करो, क्योंकि शाम सुंदरी एक है जो रज को पाकड़ और पाकड़ को रज करते, वही तुम्हें पार लगा सके, और मैं तो नींद आ रही है, मैं तुमको पार न लगा पाऊंगा। अच्छा मैं तो जा रहा हूँ। हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, यह मल्ला के ने हमें बीच मजदार में लाके छोड़ दी है, अब आप आए के हमको पार लगाओ। हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर,
हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर। श्याम जी मैं आई गयो Oh,
इनको जो ट्रेनिंग देने वाले कौन है, इनको ट्रेनिंग वापस में दिया है ना,
हाँ देखो इनकी भी दो तीन लड़कियाँ इसमें काम कर रही थी माता जी की, इसलिए माता जी के ऊपर में भी ठाकुर जी की कृपा हो और बड़ी गुरु जी की कृपा हो और इनके हृदय में भक्ति हो और खूब ऐसे ही हर साल ठाकुर जी की लीला दर्शन करा। ठीक है, अभी हमारी दूसरी तीसरी लीला आ रही है, कृष्ण कैसे गोकुल में जन्म हुए और कंस कैसे अत्याचार की, बड़ी प्यारी लीला करके। आ जाओ भैया, आ जाओ कंस भैया, बोले श्री कंस महाराज की जय। इनको माइक दे दो, माइक दे ना। आज मेरे लिए बड़ी ही प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि मेरी बहन देवकी का विवाह मेरे ही परम मित्र वसुदेव के साथ हो रहा है और आज मेरे पिता महाराज भी अत्यंत प्रसन्न है। हे देवकी, हे बहन देवकी, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, क्योंकि इस वसुदेव से जैसे वर इस संसार में तुम्हारे लिए कोई भी नहीं मिलेगा। हे मित्र वसुदेव, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि अब आज से तुम मेरे संबंधी बनोगे। हे मित्र और हे बहन देवकी, इस विवाह के उपलक्ष्य में हमारे पिता महाराज ने तुम्हें अनेकों दासियां, हाथी, घोड़े, रथ और अनेकों भेंट तुम्हें उपहार में दी है और इस शुभ विवाह के उपलक्ष्य में मैं आज स्वयं तुम्हारा रथ थाम कर लेकर जाऊंगा और स्वयं तुम्हारा सारथी बनूंगा। आओ मित्र वसुदेव, आओ आओ बहन देवकी, आओ आओ। तो ये मूर्ख कंस यहां वहां क्या देखता है, मृत्यु अज्ञात है, अदृश्य है। ये आकाशवाणी के माध्यम से एक घोषणा है तेरे लिए, जिस देवकी से तू अत्यंत प्रेम व्यक्त कर रहा है उसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तेरी मृत्यु का काल बनेगा। असंभव, असंभव, इस आदमी की मृत्यु असंभव है। अरे देवता, तुम्हारा यह षड्यंत्र कि तुम इस महाबली अंत की मृत्यु का उपाय बनोगे, क्या तुम नहीं जानते पृथ्वी हो जा रहे महाबली को एक स्त्री पर अत्याचार
वहां भी उसके विवाह के दिवस पे उचित नहीं होता। भविष्य में क्या कहेंगे कि शूरसेन के वंशज ने एक स्त्री को उसी के विवाह के लिए बंद किया, ये जो है बिल्कुल युक्ति संगत नहीं है। तो थोड़ा विचार करो इस पर। वसुदेव खराब नहीं, क्या तुम नहीं जानते देवताओं की जो बात है मिथ्या नहीं होती? और यदि ये देवकी मेरी मृत्यु का कारण है तो आज ये स्थिति जीवित नहीं बचेगी। हे मित्र, मैं तुम्हारी कोई भी बात में नहीं आने वाला। आज देवकी मेरे हाथों से खिंचनी मारी कीजिए। एक तो मैं स्त्री और ऊपर से आपकी बहन, ऐसा दुष्कर्म मत कीजिए भैया। मृत्यु आज नहीं तो कल अवश्य आनी है, यहाँ नहीं तो शमशान घाट में। ऐसा पाप कर्म मत कीजिए। एक देवकी मेरी मृत्यु किसी भी हालत में न आए, लेकिन मैं ये कदापि नहीं सहन कर सकता कि वह मृत्यु तेरे कारण आए, तेरे कारण। कंस, तुम केवल महाबली नहीं हो, तुम्हारा शौर्य तुम्हारा वीर्य अत्यंत प्रसिद्ध है, लेकिन तुम्हारे शौर्य और वीर्य के साथ साथ तुम ज्ञान संपन्न भी हो। शास्त्र इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है, अद्यवा आप शतांते, मृत्यु आज या फिर कल या फिर 100 वर्ष बाद अवश्य आएगी। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपना एक चरण रखता है और एक चरण रखते ही पिछला चरण सदा ही उठ जाता है, उसी प्रकार से जीव अपने कर्मानुसार एक जन्म प्राप्त करता है और उस जन्म की समाप्ति पर कर्मानुसार तुम्हारे जन्म स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जब मृत्यु निश्चित है तो तुम्हारे द्वारा किया गया यह कार्य अत्यंत श्लाघनीय है, अत्यंत निंदनीय है। अंश के लिए कोई भी कार्य निंदनीय नहीं है। महाबली अंश इसके कारण भक्ति को प्राप्त नहीं होएगा। देवकी आज तुझे मेरे हाथ से कोई भी नहीं बचा सकता। कंस, थोड़ा धैर्य रखो, मृत्यु अवश्य भावी है, यह बात जीव जान को हो भी स्वीकार कर रही है। भिन्न भिन्न प्रकार के भोगों में अपना जीवन व्यक्त करता है, लेकिन इस परिस्थिति में यह ज्ञान जो है तुम्हारे चरम चक्षुओं को खोल नहीं पा रहा है। मेरी एक प्रस्तुति है तुम्हारे समक्ष। आकाशवाणी ने क्या कहा कि देवकी का अष्टम गर्भ जो है मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। तो मूलतः देवकी तुम्हारी शत्रु है या उसका अष्टम गर्भ? मित्र, देवकी मेरी शत्रु नहीं है, उसका अष्टम गर्भ ही मेरा शत्रु है। तो इस तर्क का अनुसार देवकी को मारने से कोई लाभ नहीं है। सर्वप्रथम तुम्हारी बहन है, विवाह उत्सव है और अष्टम गर्भ के आने में भी बहुत समय जो है बाकी है। मेरा नाम वसुदेव है। जब मेरा जन्म हुआ था तो देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी और इस बात की घोषणा की थी कि मैं सब प्रकार के काल को देखने में ज्ञात हूं और मेरी वचनबद्धता के लिए सारे के सारे विश्व में मेरी ख्याति प्रसिद्ध है। तो मैं वसुदेव इस समस्त जन समाज के सामने आज तुमसे एक व्रत कहता हूं कि देवकी के प्रत्येक पुत्र को, उसके प्रत्येक गर्भ को मैं तुम्हारे समक्ष लाऊंगा और तुम उससे जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहो तुम कर सकते हो। हे वसुदेव, तुम मेरे मित्र हो और मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए तुम्हारे वचन ही सब कुछ है। तुम अपनी वचनबद्धता के लिए इस संसार में प्रसिद्ध हो। हे मित्र, यदि तुम्हारा यही वचन है तो ठीक है, मैं इस देवकी को छोड़ देता हूं। लेकिन मित्र, अब तुम अपने राज्य नहीं जा सकोगे जब तक देवकी उस मेरे शत्रु को और तुम मुझे वह सौंप नहीं देते, तब तक तुम इस अंत के कारागार में बंदी बन के रहो। ऐ सेव को निधाओ इनको और डाल दो ठंडी ग्रह में। और जब जब इनका प्रथम पुत्र आए तो अभिलंब मुझे सूचित किया जाए, जिससे कि मैं इस तलवार की थाप से
सिर पर चारों से डूबना जैसा लगता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण कंस, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें वचन दिया था, एक पिता को अपने ही नेत्र के समक्ष अपने ही पुत्र को तुम जैसे व्यक्ति को समर्पित करने से बड़ा बोझ नहीं हो सकता है। मेरा चित्त अत्यंत दुर्दांत है, अत्यंत कष्ट में है, लेकिन अपनी वचनबद्धता को सार्थक करने के लिए ही मैं देवकी के प्रथम पुत्र को तुम्हें सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मेरी तुमसे केवल इतनी ही प्रार्थना है कि इस पुत्र के साथ तुम कुछ भी करो, लेकिन मेरे नेत्रों के समक्ष मत करना, यह मेरे लिए बहुत असहनीय वार्ता होगी। हे मित्र, आज मेरी नजरों में तुम्हारा सम्मान और भी बढ़ गया, क्योंकि हे मित्र, मैं जानता हूं कि तुम अपनी वचनबद्धता के लिए प्रसिद्ध हो और अपने वचन के अनुसार तुम अपना प्रथम पुत्र मुझको देने आए हो। लेकिन हे मित्र, मैं इतना निर्दयी भी नहीं हूं, क्योंकि आकाश वाणी के अनुसार देवकी का अष्टम पुत्र मेरा काल होगा, ना कि ये प्रथम पुत्र। इसलिए हे मित्र, तुम जाओ, इसे ले जाओ और फली भांति इसका पालन पोषण करो। लेकिन हे मित्र, जब आत्मा देवकी के कम में आए तो मुझे अभियान सूचित करना, जिससे मैं अपने काल का वक्त अपने दिन आता कर सकता। जाओ मित्र, जाओ। कंस जैसे व्यक्ति की परिस्थिति एक सामान्य जीव की भांति है। अपने समक्ष मृत्यु को देख करके अपनी बहन की प्रति शत्रुता व्यक्त की और क्षण मात्र में फिर मित्रता व्यक्त की, ऐसे जन का किसी की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। Narayana, 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 Narayana
देवरश्मी नारायण भाई इस महावही अंत की सभा में आपका स्वागत है। आइए 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 हरि बोल नारायण नारायण। कंस अपनी सभा में मुझको देख करके तुम अचंभित तो अवश्य हो रहे होगे। अब तो वचन है भगवान, जैसा कि तुम जानते हो कि साधु किसी के भी द्वार पर बिना कारण के नहीं जाते। उनके द्वारा किए गए कृत्य, उनके द्वारा किए गए वचन, उनमें अत्यंत गूढ़ रहस्य होता है। मैं देव ऋषि नारद, जिसने इस विश्व ब्रह्मांड में अनेकानेक उत्तम महाभागवतों को शिष्य से मैंने स्वीकारा, उनको मैंने भक्ति के विषय में बताया, वह पिछले कुछ समय से एक युक्ति, एक सामान्य तर्क को सुलझा नहीं पा रहा, और उसी एक सामान्य तर्क को सुलझाने के लिए ही मैं तुम जैसे ज्ञानी, ज्ञानियों में अग्रणी, सर्व वेदांत विद्य कंस की सभा में जो प्रस्तुत हुआ। अरे मुनिगण, आप उन देवताओं के राजऋषि हैं, आप उन देवताओं के पास आपकी कोई भी बात का, कोई भी बात का वो कोई भी आपको समाधान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है मुनिगण, यदि आप मेरी इस सभा में कुछ पूछ नहीं आए हैं तो बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। हे कंस, सांख्य शास्त्र में मैं अत्यंत निपुण हूं, प्रकृति के जितने भी तत्व हैं उसकी गणना करना मुझको भली भांति आता है, लेकिन पिछले कुछ समय में मैं एक सामान्य सी गिनती नहीं कर पा रहा हूं, उसी के लिए मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुआ। इसको बहुत सरल रूप में तुम्हारे सामने रखने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस माला का उपयोग किया जाए। ये माला अपने आप में अत्यंत सुंदर है, सुंदर होते हुए भी इस माला के मंत्रों में अनेक रहस्य छुपा हुआ है। साधु इससे भजन करके कृष्ण प्राप्त कर सकता है, योगी इसका भजन करके योग सिद्धि प्राप्त कर सकता है, और जिसकी मृत्यु निकट आने वाली है वह इस रहस्य को जान करके शायद मृत्यु से बच भी सकता है। भगवान, मैं आपकी इस गुरु भाव को समझ नहीं पाया, इसलिए हे प्रभु यदि आप मुझे समझे तो इसके पीछे अपने मूल कारण को मुझे अवश्य समझाइए। कंस, शास्त्र अत्यंत गूढ़ है, उस गूढ़ वस्तु को समझने के लिए किसी वेद विज्ञ साधु के निकट जाना अत्यंत आवश्यक है, और साधु को परोक्षवाद अत्यंत प्रिय है, वो कोई भी बात प्रत्यक्ष नहीं कहता। तो अगर तुम वास्तविक रूप में ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ हो तो क्या तुम मुझे इस माला के मंत्रों की गणना करके यह बता सकते हो कि इसमें प्रथम कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, तृतीय कौन सा है, चतुर्थ कौन है और अष्टम कौन सा है? अरे मुनिगण, आपकी इस पहेली का उत्तर तो मेरी इस सभा में उपस्थित एक बालक भी दे सकता है, लेकिन यदि आप ये मुझसे पूछना ही चाहते हैं तो देखिए, आपकी इस दी हुई माला में ये यहां से ये प्रथम हुआ, ये द्वितीय हुआ, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पंचम, ये षष्ठ, ये सप्तम और हे भगवान ये अष्टम। सामान्य रीति अनुसार तुमने गणना की है, वह अपने आप में बहुत सुंदर है, लेकिन एक जल के पात्र में उसे आप आधा भरिए और आधा खाली छोड़िए, तो सामान्य जन कहेंगे कि ये जल का पात्र क्या है, आधा भरा हुआ है, लेकिन जो वेद वित्त है वह क्या कहेंगे कि पात्र जो है आधा खाली है।
जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है, संसार में प्रचलन है, सामान्य जन इस बात को कहते हैं कि हम 50 वर्ष के हो गए, लेकिन वह यह बात नहीं जान पाते कि उनके जीवन से 50 वर्ष चले गए हैं। उसी प्रकार से तुमने प्रथम से गिना तो प्रथम प्रथम हुआ, द्वितीय द्वितीय हुआ, अष्टम अष्टम हुआ, और अगर तुम इसको विपरीत गिनती करो फिर तुम मेरे सामने इस गणना को प्रस्तुत करने का प्रयास करो। हे भगवान, यदि मैं इसको दोबारा नीचे से गिनता हूं तो प्रथम अष्टम होगा और अष्टम प्रथम होगा, इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। लेकिन मैं जानता हूं इस पहेली के माध्यम से आप मेरा कल्याण ही करना चाहते हैं, इसलिए हे भगवान इस पहेली के माध्यम से जो भी आप मुझे समझाना चाहते हैं यदि उचित समझे तो कृपा करके बताइए। कंस, रहस्य का उद्घाटन जनमानस के सामने नहीं होता। मैं अभी, तुम तो जानते हो कि मेरी गति किसी भी लोक तक सीमित नहीं है, मैं सर्वत्र लोक में व्याप्त होता हूं, स्वर्ग लोक इत्यादि से लेकर के महर लोक, जन लोक, तप लोक, वहां तक मेरी गति है, और मैं चाहूं तो श्री भगवान के लोक में भी नित्य जो विचरण करता हूं। श्री भगवान के दर्शन करने के पश्चात जब मैं पुनः इस पृथ्वी की ओर गमन कर रहा था तो स्वर्ग लोक में मैंने देवताओं को कुछ वार्ता करते हुए सुना, और मैं ये मानता हूं कि वह वार्ता तुम्हारे लिए अत्यंत दुखदायी समाचार के समान है। वह सब इस बात को प्रचार कर रहे थे कि कंस ने सारे के सारे भूमंडल को अपने क्रूर अत्याचार से व्याप्त कर दिया है, जितने भी जन हैं वह त्राही माम कर रहे हैं, इसलिए देवताओं ने श्री विष्णु से इस बात की प्रार्थना की कि आप जो है अवतार के लिए अपने समय को निश्चित कीजिए और कंस का वध कीजिए। हे मुनिवर, आपका जो वचन है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आकाशवाणी के माध्यम से यह सूचना मुझे पहले ही ज्ञात हो चुकी है कि देवकी का अष्टम पुत्र मेरा काल होगा, इसलिए यह सूचना मेरे पास पहले से ही है। कंस, गणना अनुसार तुमने प्रथम को यह कहकर के छोड़ दिया कि वो प्रथम है, अगर वह अष्टम हुआ तो, और कहीं द्वितीय अष्टम हुआ, तृतीय, चतुर्थ, तो क्या यह तुम्हारी मूर्खता नहीं है? क्या इसके कारण तुम मृत्यु को धमक कर नहीं दे रहे? क्या तुम यह नहीं देख रहे कि देवताओं के षड्यंत्र में तुम भ्रमित हो चुके हो? ओह, हे मुनि श्रेष्ठ, ये तो मेरे ध्यान में कदा भी नहीं आया कि वह मेरा शत्रु विष्णु प्रथम गर्भ में भी आ सकता है और अष्टम में भी। ओह, तो क्या मेरे देवकी का प्रथम पुत्र का वध न करके बहुत बड़ा अपराध किया है? कंस, इस विचार को तुम करो, तुमने अपराध किया है या तुमने तर्क संगत निर्णय लिया है? मैं तुम्हें कुछ कहने आया था, अब मैं श्री भगवान के लोक में पुनः जो गमन कर रहा हूं। हे मुनि श्रेष्ठ, धन्यवाद, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 Narayan, 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 Narayan
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। ओ मेरे काना धूले अच्छा ने क्या हो झोटा दिया। मेरे काना धूले देखो। हृदय की बात को जान तो लिया,
अब संतोष भी गिराने के लिए कैसे कैसे सपने देखे भैया। अब कहाँ करे सपने तो सपने हैं भैया, सांची तो जो बात है तुम्हारे सामने। नो मैं तेरी बात सच अभी सच कर कैसे ना जाने मेरे मन में कुछ ग्रुप ग्रुप हलचल हो गई। कैसी हलचल है? ऐसी हलचल हो रही कि अभी या जनता के बीच में से या भक्तों के बीच में से हाँ अपनी बहने सुनंदा हाँ हाँ वही भक्ति भाई। अरे भैया जेब चौपाल में कहाँ सुनना आई आएगी तू जाने में ना है छह महीने तक तेरे घर में कहाँ बैठी हुई है। अरे ऐसे ही आनी होगी। अरे ऐसे ना आई है तो भाभी के नौ लखा पे नजर है बाकी नौ लखा पे। हाँ अरे भैया बापे में कमी है? कमी ना है लेकिन खुशखबरी जब होएगी। अच्छा नौ लखा तो देना पड़ेगा ना। अरे भैया खुशखबरी यार नौ लखा भी देंगे। देख आई देख आई ना आई। अरे जी कौन अरे जी कहते भाभी चली आ रही है मन करे एक छलांग मेरे पर्वत पे चढ़ जाओ और दूसरी पे नीचे उतरू। भैया चलेगी नंद भवन की सीढ़ी आते चली ना जाए सुमेरु पर कर चलेगी। कैसे हाँ रही है नंदाले से आते हुए बाबा। हाँ बात कछु ऐसी है। कैसी बात है बता। बात कछु ऐसी है। हाँ पहले मोहित बता कहाँ मिलेगा इस बात के बदले। अच्छा बोल तू कहाँ लेगी बता ना कहाँ मिलेगा। मोहित कोई बड़ी चीज चाहिए। सुन वो जब ना तुम्हारे वहाँ खेत है ना। हाँ और ना 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 वो तो छोटो सो इस बात के आगे। अरे तो 50,000,000 दीजिए ले ले। अरे गैया आपने तो वही बात कर दी हलवाई को उसी की मिठाई खाने को कह रही है। अरे कौन सी हलवाई की बात कर रही है वो तेरी परेशान है मिठाई की दुकान की बात कर रही है। अरे जल्दी बता हुआ कहा है 80 को है कि गुजर गए हो ना बता लाली बता कहा बात है। अरे बता कहा मिलेगा तू बता कहा ले ना ना कहा मिलेगा। सुन तू एक काम कर ये नौला का हाल है। ये नौ लखा है। हाँ ये तो कांच के समान लगे। अरे लाली क्या करिए जाके पीछे बड़ा बड़ा लुक जाएगा। अरे भैया ये नौ लखा हार है कांच का बता। अरे यहाँ को बैद की जरूरत है बैद की बैद के पास ले जाओ यहाँ को। अरे लाली सुन बात तो बता नौ लखा हार तो रख पहले बात बता क्या बात है बता। हाँ पहले ये बता कहाँ मिलेगा। अरे भैया बाबा बाबा कहाँ मिलेगा। अच्छा बाबा अभी मैं चलती हूँ थोड़ी सांस लेके आती हूँ। देख 80 वर्ष यहाँ के हो रहे हैं तेरी बात के चक्कर में यहाँ को बीपी बढ़ गए हो तो यही हो जाओगे राम नाम सत्य। लाली बता बाबा। हाँ बात कछु ऐसी है। कैसी बात कछु ऐसी है। कैसी अरे बात कछु ऐसी कि मुझे निकल ही ना रही। भैया घर में आग तो ना लगी नहीं। अरे भैया बताइए। हाँ ना 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 आग वाग ना लगी बाबा थोड़ी देर में आती हूँ। अरे इतनी दूर भाग के आई है बात करिए बात बताओ। अरे बताओ ये बात ना बता। अरे बता साची सच्ची ब्रजवासी तो ये ना बता। नहीं बता दे दिन भर से मेरे संग भैया चला रहे हैं तेरे का पता होगी। बात कछु ऐसी है। हाँ तोरे घर मेरे घर का तोरे घर। हाँ अरे बोलेगी कि मेरे घर मेरे घर मेरे घर। अरे कंस को ने मंत्र तो नहीं बोल रहे ले सके। ओ कंस आ तो घर ले सके हुई तो तोरे घर ना। हाँ तोरे घर ना। हाँ अरे निकल ही ना रही बात। अरे भैया हाथ दे। अरे यहाँ की जान निकल जाएगी तेरी बात के चक्कर में। अच्छा बाबा बताती हूँ पर मोहे मोटा इनाम चाहिए। लाली जो बोलेगी वही तुमको बता। तोरे घर। हाँ तोरे घर मेरे घर का तोरे घर लाला भैया लाला की। अरे भैया बंदा सुना बधाई दो बधाई। अरे भैया तैयारी करो भैया तैयारी करो उत्तर है उत्तर। हाँ अभी भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं ठाकुर जी का भी अभिषेक होगी
अभी प्रभु जी धीरे धीरे कीर्तन करते रहेंगे, ठीक है। अभी जब भगवान कृष्ण आए उसी समय 33 करोड़ देवता भी आकर के भगवान को स्वागत किया, जिसमें ब्रह्मा शंकर नारद सारे देवादेवी हैं, सब स्तुति कर रहे हैं। इसलिए हम सभी भी भगवान अवतीर्ण जन्म लेने वाले 12 बज गए आए अब, इसलिए हम सबके सब ठाकुर को स्वागत करते हैं। इसलिए आप बोलो नाम विष्णु स्वागत होते स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण Thank you.
तेरी गोद में आई तेरी तेरी गोद में तेरी मैया बधाई तेरी मैया ओ तेरी मैया बधाई तेरी मैया तेरी गोद में बधाई तेरी मैया तेरी गोद में Thank you.
जन्म सदेशी निज देव बधाई जन्म
के मैया पास है भीमों के भीमों के मैया की का भीमों के भीमों के मैया की का भीमों के अरे नाक टिकी कर दो साई रे नन दे को बधाई नाक टिकी कर दो साई रे कैया दे को बधाई कृष्ण जब मुख दे रे नन दे को बधाई कैया दे को बधाई अरे जी बधाई मैया के दे बधाई सूचना है उसके बाद फिर आनंद लगे। हेलो, बस दो मिनट उसके बाद फिर से बधाई कीर्तन है। बहुत जल्दी जल्दी से मैं आपको एक दो अनाउंसमेंट है वो बता देता हूँ। एक तो अभी जो है आज के जो प्रसाद की व्यवस्था है हमारे श्री अशोक मिश्रा जी उनके परिवार की ओर से हुई है, श्रीमती शकुंतला यादव और उनके परिवार की ओर से हुई है, और हमारे रमेश मिश्रा जी अगर हैं उनके परिवार की ओर से हुई है। तो इन तीनों परिवारों से हमारा अनुरोध है कि अभी आरती के समय आगे आएं और आगे आकर भागवत जी की आरती करें और उसके बाद हरे कृष्ण महाराज जी से आशीर्वाद। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि आज भगवान का जन्मतिथि है। भगवान की जन्मतिथि में अगर कोई एक अन्न का दाना भी ठाकुर को सेवा में दे दे फिर ठाकुर जी उसको घर में अर्ण वस्त्र का कभी अभाव नहीं होता। इसलिए आज इन लोगों ने अपना दिल खोल करके महोत्सव में कुछ अवदान भी दान दी है, इसलिए ठाकुर जी इनको खूब शांति सुख दे और घर में खूब फलते फूलते रहे। और जब आरती होगी सामने आग का आरती करें तो ठाकुर कहाँ दे रहे हैं सबको। इसके अलावा कल जो है यहाँ पर नंदोत्सव का फंक्शन होगा, ठीक है, तो कल भी यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बधाई कीर्तन करेंगे हमारे प्रभु जी। तो आप सभी लोग इसी तरीके से अधिक संख्या में आए। एक मैंने पिछली बार अनाउंसमेंट किया था, बाहर ग्रंथ का स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ से जरूर कोई ना कोई ग्रंथ और लेने का प्रयास करें। वहाँ अनुराधा माता जी भी बैठी हुई है, अगर ये भगवान का जन्मोत्सव मनाने के पश्चात किसी के मन में प्रेरणा आती है, अभी कथा में दो दिन और हैं और वो सहयोग करना चाहते हैं, तो बाहर स्टॉल पर अनुराधा माता जी से संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, जीत प्रभु से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर एक विनती है, बिल्कुल नतमस्तक होकर विनती है कि प्रसाद जो है बहुत मात्रा में है, बांटने में हमारे जो सेवक भक्त लोग हैं उन्हें 15 मिनट लगेगा, आप कृपया उनका सहयोग कीजिए, लाइन से लीजिए। जो माताएं हैं बहनें हैं वो आगे लाइन बनाएं, जो भैया पुरुष हैं वो पीछे लाइन बनाएं। यकीन मानिए 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा और सभी लोगों को प्रसाद मिल जाएगा। अगर व्यवस्था बनाने के लिए वो किसी को थोड़ा सा कह देते हैं तो आप कृपया बुरा मत मानिए, आप उनका सहयोग कीजिए, निश्चित रूप से आप लोगों के लिए प्रसाद बहुत मात्रा में है। बस यही बात तक कहनी थी और इसके अलावा फिर से कीर्तन सुनिए।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो कन्हैया लाल की जय। मांगवाने भाई साहब, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आइए, ये लास्ट बधाई है आज का, इसमें सभी लोग नृत्य करेंगे और इसके बाद आरती होगी। तो आइए, बुझ बुझ बुझी यो जी जो चुका मैया ते बोला है ना, बुझ बुझ बुझी यो जी जो चुका मैया ते बोला है ना, मारा तेरे लगे ताहो मैया ते बोला है ना, आज मुझे मिले सांवरे के नाम।
जहाँ प्रसाद मिलेगा आपको वहीं पर चरणामृत मिल जाएगी।
जहाँ पर यहाँ पर सब इधर उधर करते हैं, अब वहीं पर चरणाम देखो। हरे कृष्णा, एक बार सबके सब हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हरी बोल एक बार मेरे साथ में थोड़ा नाचने का, ठीक है? बोल हरी बोल, हरी बोल, बोल हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी 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 बोल, हरी 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 बोल, 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 हरी बोल